ये क्या गिफ्ट मिला है इसके हाथ में। तो क्या अभी क्या महसूस हो रहा है रंजीत, कैसा महसूस हो रहा है बताओ, गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा तुमको? तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी सुबह के 5 बज रहे थे और पापा लोग को बाहर जाना था, तो अभी उन्हें गया था मेन चौक जहाँ पे बस आती है, बस स्टैंड, वहाँ पे उन्हें बाइक से ड्रॉप करके आया हूँ। अब 5:05 में उनकी बस है, उसके बाद वो लोग निकलेंगे और फिलहाल मैं अभी घर आ चुका हूँ। तो चलिए कुछ देर आराम करता हूँ, फिर 5:30 बजे जिम के लिए निकलूँगा। तो गाइस अभी जिम जा रहे थे, रंजीत का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी आ चुका है पीछे, तो अब चलते हैं दोनों जिम। तो चलिए तो गाइस अभी आपको सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी सुबह हो चुकी है, अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ओस भी है, कुहासा भी है। तो फिलहाल अभी जिम पहुँचते हैं, उसके बाद आपको पीछे जिम के पीछे का व्यू दिखाएंगे। उधर से खेत ही है, देखिएगा कितना कुहासा होगा, उधर भी आप देख सकते हैं साइड। तो गाइस फिलहाल तो हम दोनों का जिम हो गया, अब हम दोनों अभी जा रहे हैं घर। तो चलिए अब घर चलते हैं। फिलहाल बस अपना टायर चेक करवा लेते हैं एक बार, जहाँ जैसे कल ठीक कराए थे जिस दुकान में, तो वो चेक कराएंगे और सीधा घर निकलेंगे। तो गाइस आज घर में कोई नहीं था, तो दूध बचा हुआ था, तो देखिए उसका मैंने खीर बना लिया है। मतलब ये खीर कंप्लीट हो गया है, 5 मिनट और इसे धीमी आंच में पकने देंगे, फिर हमारा खीर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो गाइस अभी यूट्यूब के पैसा से रंजीत को एक गिफ्ट दिए, कल बहुत हमारा मदद किया था, तो उसी खुशी में आज रंजीत को देखिए क्या गिफ्ट मिला है इसके हाथ में। तो क्या अभी क्या महसूस हो रहा है रंजीत, कैसा महसूस हो रहा है बताओ, गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है, इस टीवी का हमको जरूरत भी था, तो अनीस थैंक यू गिफ्ट के लिए। तो चलिए ये टीवी तो इसे मिल गया, अब इस टीवी का अनबॉक्सिंग बनाते हैं, आप देखिए कैसा टीवी है। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए और एक लाइक जरूर कीजिए। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो जल्दी जल्दी कीजिए और इस वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। तो गाइस जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है, अब हम लोग करने वाले हैं इस स्मार्ट टीवी का अनबॉक्सिंग, जो कि रंजीत को हमारी यूट्यूब के पैसे से गिफ्ट मिला है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या कुछ है, ये फालतू है इसमें बस दाम उम लिखा है। अब मेन चीज़ तो ये है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, तो वो पल आ गया। अब जल्दी से रंजीत इसको खोल, अरे रंजीत जल्दी खोल यार, उतना रहा नहीं जा रहा है, अब इतना धीरे धीरे क्या खोल रहा है, आराम से एकदम स्पीड से खोल। तो फाइनली यहाँ पे इसका जो टेप मारा गया था जिससे वो चिपकाया गया है वो उखाड़ रहा है, इतना नर्वस है रंजीत कि उससे बोलिए एक कवर नहीं खुल रहा है। फाइनली बहुत मतलब सेफ्टी से खोल रहा है ताकि कुछ हो नहीं, आखिर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। तो फिलहाल जल्दी से इसे खोलते हैं और देखते हैं इसका कैसा क्या आया है। ये 1+ का एंड्रॉयड टीवी हमने मंगाया था, तो अब उम्मीद करता हूँ अच्छा ही आया होगा, अब तो खोलने और यूज़ करने के बाद पता चलेगा। पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मजबूत तरीके से किया गया है एकदम पूरे सेफ्टी के साथ, अंदर देख सकते हो अब थर्मोकोल से भी अच्छी तरह से पैक है। अब ये रहा वो चीज़ जिसका हमको और हम सभी को इंतज़ार था, तो अब वो निकल रहा है एकदम चमचमाता ब्रांड न्यू 1+ का एंड्रॉयड टीवी। तो ये रहा रंजीत, निकाल इसे जल्दी। तो फाइनली गाइस हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और आप भी अभी इसे देख सकते हैं, ये है वो, ये तो कोई एप्पल का डेस्कटॉप लग रहा है, लेकिन ये असल में एंड्रॉयड टीवी ही है, और ये स्लिम भी बहुत ही ज़्यादा स्लिम है गाइस। तो चलिए अब इसका रिव्यू करते हैं कैसा आया है कैसा नहीं। दिखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, एकदम मस्त सा है, स्लिम सेट है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं। अब इसको ऑन करके देखते हैं इसका आवाज़ कैसा है और भी क्या क्या इसके साथ कुछ केबल वगैरह मिले हैं और रिमोट है, तो ये आप रिमोट भी देख सकते हैं, इसका रिमोट दिया गया है। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया है, एक केबल दिया है कनेक्ट करने के लिए, और इसमें ये जो है एक कोड दिया गया है, जैसे कि हम लोग का एक म्यूज़िक का होगा और एक वीडियो का होगा,
देख सकते हैं आप एक कोड दिया है ताकि हम अपने सेटअप बॉक्स वगैरह से कनेक्ट कर सकें, और ये है वारंटी पेपर, तो इसमें 3 साल का वारंटी भी दिया गया है। तो टीवी तो एकदम मस्त लग रहा है, लुक ही इसका इतना पसंद आ गया क्या बताओ, और दाम भी इसका अधिकतम 14,000 में हमने लिया है, तो बहुत ही पतला ही लग रहा है कि जैसे कि एप्पल का डेस्कटॉप कैसा होता है एकदम स्लिम सा पतला, ठीक ऐसा ही ये बहुत ही खूबसूरत एकदम लग रहा है। बस अब इसे चलाने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, रहा नहीं जा रहा है, तो इसे जल्दी से लगाते हैं और इसका टेस्टिंग चालू। एवर रेडी का बैटरी भी मिला है गाइस, ये अराउंड तो 5 रुपया पीस है गाइस, 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया गाइस, पैसा भी नहीं लिया उन लोग से, तो धन्यवाद है वन प्लस का गाइस। हाँ वैसे वन प्लस का टी अच्छा वो तो आप देख लिए होंगे गाइस डिब्बा में, ये है रिमोट गाइस, ओके ये वाला बटन दाब के ओके गूगल बोलना नहीं पड़ेगा, मतलब गाइस ये वाला बटन दाबिए कुछ भी बोल दीजिए। हाँ ये वाला बटन दाब के पूछिए एलेक्सा बढ़िया है कि गूगल, हाँ तब आपको मजा आएगा। चल गया है गाइस बैटरी, यहाँ एवरेडी का लाल लाल वाला देख लीजिए, ओरिजिनल है, चलता है, ये वाला बटन से और शायद ऑन होता होगा गाइस, दावे दाब दो, ये लीजिए गाइस ऑन हो गया क्या, हो गया गाइस, हो गया है गाइस, देखिए वन प्लस वन टू हो गया गाइस, एक और टीवी ले लेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा गाइस अभी क्या। यस तो गाइज यहाँ पे फाइनली हमारा टीवी ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं, अब इसका टेस्टिंग करेंगे, देखते हैं क्या 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 फीचर इसमें दिया गया और भी क्या क्या चीज़ें। पहला तो हमको सबसे ज़्यादा ये इसका ये पसंद है, ये इतना ज़्यादा स्लिम है गाइज क्या बताओ, आपको देखने से नहीं पता चल रहा होगा लेकिन अगर मैं बताऊँ तो मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, आप अपने 2 अंगूठा और 1 उंगली से उसके बीच में से पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल इसका सेटअप करते हैं, वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं, तो पोको वाला हमारा है। गाइस देख सकते हैं यही है वो टीवी वन प्लस का जो दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और आपको दिखाता हूँ कितना स्लिम सेट है देखिए। तो गाइस ये हो गया, अब हम लोग का मेन ये हो गया कि अब हम लोग जो इंडिया का फाइनल मैच उम्मीद कर रहा हूँ चले जाए इसी टीवी पे देखेंगे, बस सबका दुआ लगे तो इंडिया जरूर फाइनल में जाएगा। तो ये टीवी देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी है, बहुत मस्त सा है। अब देखिए इधर अभी हम लोग मूवी देखने वाले हैं, तो चलिए इस मूवी का इस टीवी का न्यू ट्रायल भी कर ही लेते हैं। तो गाइस क्या बताओ यार, आज दिन बहुत ख़राब था, क्या क्या उम्मीद लगा के बैठा था लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार इंडिया जीते अब यही उम्मीद कर सकते हैं, इस बार तो हार गया, दुख तो हुआ पूरे सही दिल से बुरा लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं, इंडिया टीम में सपोर्ट तो करेंगे आखिरी दम तक करेंगे, आज हारा है कल जरूर जीतेगा, तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। तो गाइस अभी तो मूड का ख़राब हो चुका है, तो चलिए अभी इतना ही, क्या बोले। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं कल एक नए और मज़ेदार ब्लॉग के साथ, सो टिल देन।